हेलो दोस्तों, 25 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग आदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यो आज का सबसे पहला हमारा करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, हाल ही में 87वां देश कौन सा बन गया जो ISA सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा निकारागुआ। क्वेश्चन नंबर थ्री है, लाई हरवा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, हाल ही में कौन से देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन टियान वन लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमित शाह। क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं, हाल ही में इंग्लैंड की एनी रॉस का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वे कौन से क्षेत्र से जुड़े थे? गायिका। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीना डापी। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, हाल ही में स्व सहायता समूहों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार ने अपना अमूल किसान समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस हेतु स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में MFIN का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर आलोक मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हाल ही में COVID-19 रोगियों को ट्रैक करने हेतु किस एम्स ने स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर एम्स ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हाल ही में कौशल विकास हेतु किस राज्य सरकार ने IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाल ही में DRDO ने किस जगह पर COVID-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हाल ही में श्रीपाली वोराकोड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस देश की महिला क्रिकेटर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबाइए, ताकि जो भी करंट अफेयर्स हमारे चैनल में डाले जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे तुरंत ही मिलेगा। धन्यवाद।